बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इफ वी यूज मीटर रॉड एंड फाइंड लेंथ, लेट से 25.5 सेंटीमीटर, देन वी राइट इट ट्वेंटी 5.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज मेजर्ड बाय मीटर रॉड हुज लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो इस मेजरमेंट को हम ऐसे लिखेंगे। ये जो है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। That is equal to the least count। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये जो मेजरमेंट है इसकी जो पॉसिबल रेंज है वो 25.4 से 25.6 सेंटीमीटर के दरमियान है। यानी प्लस भी हमने कर दिया है इसमें, तो प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई, माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान ये लाई करती है, यानी ये अनसर्टन है, कन्फर्म नहीं है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर होगी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और हम देखते हैं कि परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी है ये बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसी की एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप देखें कि इस मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.1 है, मेजर्ड वैल्यू है 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.4%। तो इस तरीके से हम मालूम करते हैं परसेंटेज। अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो कोई भी अगर मेजरमेंट आपके सामने इस फॉर्म में लिखी हुई अगर होगी तो उसी की मदद से आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बता सकते हैं और परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी बता। टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक ये है हमारा कि हमने बताना है टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। यानी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो वैल्यूज़, दो मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टोटल अनसर्टेनिटी किसके इक्वल आएगी, उसके लिए कुछ रूल्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो रूल है वो है अबाउट एडिशन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके लिए रूल ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। रूल क्या है ये हमें याद रखना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो एग्जांपल से आपको समझ आएगी। लेट्स से कि हमारे पास एक लेंथ है 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसमें 2 मेजर्ड वैल्यू है और 0.1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। एक और लेंथ है वो है 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमें कहा जाता है कि जी टोटल लेंथ मालूम करो और टोटल में कितनी अनसर्टेनिटी है वो मालूम करो। तो टोटल लेंथ मालूम करना तो बहुत आसान है, 2 प्लस 4 6 प्लस माइनस इन। और रूल ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को, यानी ये आंसर हमारा 6 आ गया, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी
तो रूल क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस वैल्यू की 0.1 है, इस वैल्यू की 0.1 है, तो ये 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें कि आपके पास एक डिस्टेंस है, वो है 10 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, एक और डिस्टेंस है 12 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और हमें कहा जाता है कि जी मालूम करो x2 माइनस x1 मालूम करो और उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है वो भी मालूम करो। तो 12 में से 10 माइनस किया तो 2 आंसर आ गया। अब इस फाइनल रिजल्ट में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, तो हम इस केस में भी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो इसमें याद ये रखना है कि एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देना है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास, तो याद रखना है आपने फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। सपोज हमारे एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। सपोज करें कि हमारे पास एक मेटेलिक रिंग है और इसका जो इंटरनल डायमीटर है ये d1 है और जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है वो है d2। d1 भी हमें गिवन है और d2 भी हमें गिवन है। तो d1 जो है ये बराबर है इंटरनल डायमीटर, d1 क्या है, दैट इज द इंटरनल डायमीटर, d1 दैट इज गिवन टू यू 24.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल डायमीटर भी गिवन है, एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू d2 दैट इज इक्वल टू 30.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाता है कि थिकनेस जो है, थिकनेस मालूम करो और उस थिकनेस में कितनी अनसर्टेनिटी है वो भी बताओ, थिकनेस ऑफ रिंग, थिकनेस ऑफ रिंग मालूम करो। तो अगर आप गौर करें इस डायग्राम पे, अगर आप d2 में से d1 माइनस करते हैं तो थिकनेस का डबल आ जाता है, यानी ये और ये अगर आप देखें ये बच जाता है, ये माइनस हो गया, और उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो थिकनेस आ जाएगी, यानी अगर d2 में से d1 माइनस करते हैं तो थिकनेस का डबल आ गया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो थिकनेस आ गया। यानी हम लिख सकते हैं कि जो थिकनेस है, जो थिकनेस ऑफ रिंग है दैट इज इक्वल टू d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें जो वैल्यूज पुट कर दें, d2 की जो वैल्यू है वो है 30.0 और d1 की वैल्यू है 24.0, तो डिवाइडेड बाय 2, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये तो आ गई थिकनेस, थिकनेस ऑफ रिंग। अब इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है वो हम देखें, ये जो वैल्यूज हैं यानी ये मेजरमेंट्स हैं ये माइनस हो रही हैं, 2 तो कांस्टेंट है, ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन इस पे हम जो रूल लगाएंगे वो सब्ट्रैक्शन वाला लगाएंगे, क्योंकि जो मेजरमेंट्स हैं जो हमने मेजर किए हैं दो वैल्यूज वो माइनस हो रही हैं, 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, ये d2 और d1 क्या हो रहे हैं, ये माइनस हो रहे हैं, तो इसलिए माइनस के लिए और प्लस के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हम ऐड करते हैं, इसलिए हमने d1 की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 और d2 की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 को ऐड किया तो आंसर आ गया 0.2।
तो थिकनेस आ गई 3 और उस थिकनेस में कितनी अनसर्टेनिटी है 0.2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये रूल था एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो हेडिंग हम देंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। तो इसके लिए रूल ये है कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उनको हम ऐड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको इसकी समझ आएगी कि सपोज करें कि हमारे हमें कहा जाता है कि जी फाइंड रेजिस्टेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, कहा जाता है कि जी फाइंड रेजिस्टेंस आर एंड इट्स अनसर्टेनिटी। हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है और उस रेजिस्टेंस में कितनी अनसर्टेनिटी है वो भी बतानी है। हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो V की दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस की दी हुई है, वो है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। और हमें वैल्यू दी हुई है करंट की, I की वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। और R मालूम करना है हमने और उस R में कितनी अनसर्टेनिटी है वो बतानी है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है होम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है आई आर के। तो यहाँ से जो R है ये बराबर आएगा V बाई आई के। V की वैल्यू है 5.2 और I की वैल्यू है 0.84। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.19। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 6.2 ओम। ये तो वैल्यू आ गई R की। अब इस R में कितनी अनसर्टेनिटी है वो हमने मालूम करनी है। तो हम देख सकते हैं कि जो फार्मूला है इसमें जो V और I हैं ये डिवाइड हो रहे हैं, यानी जो V की वैल्यू है और I की वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है, यानी हम इस पे जो है डिवीजन वाला रूल लगाएंगे। तो डिवीजन वाला रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड, यानी V की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और I की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम ऐड करेंगे तो वो R की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो V की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर V। तो ये किसके बराबर आएगी, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी V की है ये आप इस वैल्यू को देख के बता सकते हैं, ये बराबर होगी 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यू ये आ जाएगी, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.6% आएगा। ये तकरीबन आएगा 2%। इसी तरह हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर आई मालूम कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये किसके बराबर होगी 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तकरीबन आएगी 6%। तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर आर आएगी इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर आर, तो ये आएगी 2% प्लस 6% 8%। और हम 8% मालूम कर लेंगे 6.2 का, 8% ऑफ 6.2 तो ये आएगा 6.2 इंटू 8/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5। तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी,
हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओम। तो ये था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज अनसर्टेज को ऐड कर देते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया। आगे चलते हैं, अगला है हमारा नेक्स्ट, हम देखते हैं कि आपका अनसर्टेनिटी फॉर पावर फैक्टर, फॉर पावर फैक्टर, यानी अगर किसी चीज की, अगर किसी मेजरमेंट की पावर है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द, इसके लिए रूल ये है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर, मल्टीप्लाई the percentage, the percentage uncertainty by that power। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। सपोज करें रेडियस आपको गिवन है स्फीयर का, रेडियस ऑफ स्फीयर आर जो है ये है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और आपको कहा जाता है कि जी वॉल्यूम मालूम करो स्फीयर का, और इस वॉल्यूम में कितनी अनसर्टेनिटी है वो भी मालूम करो। तो आपको पता है कि वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें जब आप वैल्यू लगाएंगे 4/3, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर की वैल्यू आपको दी हुई है 2.25 का स्क्वायर क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आएगा 47.7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये हमने सेंटीमीटर में ली। ये तो आ गया वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम में कितनी अनसर्टेनिटी है वो हमने मालूम करनी है। तो हम देखें कि आर जो है इसकी पावर यहाँ पे 3 है, तो इसमें पावर वाला जो है वो रूल लगेगा कि मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर, यानी जो आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो मालूम करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो वॉल्यूम की जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी इसमें, क्योंकि पाई जो है ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम की आ जाएगी। तो हम आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी बता सकते हैं, अगर आपके पास आर की वैल्यू ये है तो बिल्कुल बता सकते हैं कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर रेडियस आर ये बराबर होगी 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 1.2% 0.4% आएगी, ये आएगी 0.4%। अब हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वॉल्यूम वी, तो वो किसके बराबर आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, क्योंकि आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4 है और आर की पावर 3 है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया 1.2%। ये किस में आ गई, वॉल्यूम में। तो अब हम मालूम कर सकते हैं 1.2% ऑफ 47.7, तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 47.7 इंटू 1.2/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, 0.6। तो फिर हम फाइनल रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं, तो हम रिजल्ट को फिर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर आएगा 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा।
अब हम देखते हैं परसेंटेज